आज गौ ब्राह्मण साधु के ऊपर कलू कह रहा तोले जी, अरे मर्द की निंदा करे स्त्री रहना पड़ता बोले जी, अर ऊंच की जड़ में नीच बैठ गया नीच ऊंच बने बोले जी, अर लक्ष्मी चंद ये छंद काफी न्यारी न्यारी खुले जी। कंडक्टर 5 रुपया की टिकट के ऊपर 500 की बुशेट पड़वा देगा और पूरा रोला गाल देगा। अर मालिक ने कहा मर लेने दिए के 5 रुपया ही बात थी, स्कूल में तो पढ़ था चाय लेने दिए, पर वो जो 10,000 नौकरी के रहने वो कुर्ता पड़वा लेगा और खुन्नम खून हो जाएगा। कदे पुलिस महकमे में चला जाइयो, जो शरूम में लगा नहीं सपाटा ने कहा पैणी ही मारूंगा बाहर हो ले, एसपी से बात करना जो ऊंचे होते पर बड़े शिष्टाचार से मिलेगा। बात यह है पूरा सनी वो छलकेगा नहीं वो पूरा पाऊगा, और अधूरा सनी वो कितने किधर डंग धरता पाऊगा। अरे वो दादा जगन्नाथ ने भी कहा है, जो दादा जगन्नाथ जी कह रहे हैं बोले भाई समझ में ना आ रहा संसार क्या, तो बोले हाथी के दांत खान के और अरवध्य खान के और वो एक न बोले सातवीं फैल रह गया पट्टी ना गया, उन्हें नौकरी ना मिली कि तभी हंडेगा धक्के खाता, फिर सोचा देश की राजधानी में ननेरे कैड तो पढ़ लिए ननेरे कैड तो दिल्ली कैड मुंह कर दिया लेवाड़ा तो मिल जाएगी कि तो नौकरी नहीं मिली। आखिरी में चिड़ियाघर में पड़ गया और चिड़ियाघर में देखा शेर चीते हाथी बिल्ली बत्तख मुर्गे, उन्हें सोचा अरे जनावर ने भी काम मिल रहा है यार, तू के जनावर दे बूंदा है यार, अड़ माल ट्राई अड़ बैठेगा सूत। महेंद्र हुड्डा जी कलो ऐसे 100 रुपए का मान सम्मान और किया बार बार धन्यवाद, अरे बोला कतलू परिया हर का निकास मारे थे ऐसे बोलिया ई बोलिया कतलू परिया हो गया ना मारा ऐसे हो भी। सम्मानित श्री महेंद्र दैया साहब 500 रुपए का पुरस्कार दिया, दैया साहब को बार बार धन्यवाद प्रणाम। आनंद प्रधान जी 500 रुपए का पुरस्कार दिया, बार बार धन्यवाद। इस तागली वाई उड़े आजा उड़े जड़ा बात फ्यूरियन लखाओ, वो चिड़िया घर मच जाएगा नहीं बोला जनावर ने भी काम मिल रहा साढ़े दिन में लगेगा नहीं बोला मैनेजर साहब मने नौकरी ला लियो, मैनेजर ने बोला ला लेंगे कह पड़ रहा है नहीं बोला जी सातवीं फैल, मैनेजर लखा के नहीं बोला देख भाई नौकरी मिल जाएगी जर्नल ड्यूटी है कर लेगा, निबला जी वाह क्या हो निबला सुबह 10 बजे आना और शाम ने 5 बजे जाना, निबला जी और बढ़िया सांझ है घर से लिया जाना रोज और काम मिले है, निबला रुपये मिलेंगे 7,000, निबला जी काम के है निबला काम के है मारा रीछ मर गया है चिड़ियाघर का तड़के आकर रीछ आड़े लत्ते पैर कर रीछ आड़े पिंजरे में खड़िया होना है सांझ का 5 बजे छुट्टी। उन्हें सोचा यार के काम मिलिया है इतने, फिर सोचा समथिंग इज बेटर देन नथिंग यार कुछ भी नहीं है तो कुछ हो जाए वो भी सही, निबला जी ठीक से ले कर लेंगे थाली भी दसाए, और अगले दिन आकर वो रीछ के लत्ते पैर कर रोज खड़िया हो जाए पिंजरे में। इब 2-4 दिन तो शरमाया मड़ा मड़ा, फिर स्कूल कॉलेज के बालक आऊं टॉफी टाफी बगाव है डानस डुनस सुन गए मड़ा मड़ा डूंगे लान ला गया नाचन ला गया शर्म सी खुल गई बिस्कुट बिस्कुट खान ला गया, महीने वाले दिन 7,000 रुपये मिल गए और अपना शी हो गई और डेट बंद गया, और अगले दिन कॉलेज की छोरी टैप बजा के नाचन गए खूब झूम के नाचन ला गया, वे चॉकलेट बगान लगी ऊंचा कूद गया और बट्टी चॉकलेट बगा दी और ऊंचा कूद गया इतना ऊंचा कूद गया शेर वाले मजा पड़िया, अरे शेर आले में पड़िया शेर धरती मुंह धर रहा था उन्हें आखी ठाई वाह मेरे शेर, अरे शेर चल गया फिर उसका फांडा फांडा अरे वो जू जू दोहरा वो कूद कूद देखा देखा अपने पिंजरे में चला जा उतना ना कूद दिया गया फेरा पड़े फेरा पड़े, अरे शेर जमा दोहरा आ गया नहीं वो के रीच था वो दो पाया खड़िया हो गया, अरे दोहरा थे हाथ जोड़े खड़िया हो गया नहीं बोला भाई साहब शेर भाई साहब बम्बार से छोड़ मर रीच नहीं सू बेरोजगारी की सीती सी हो रही है बिजंदर का बिट्टू सू सातवी फैल और 7,000 में रीछ ला गिर और न्यू कहते दो पाया पर शेर खड़ा हो गया नहीं बोला भाई साहब प्यारे का पप्पू सू 9,000 नौमी फैल और 9,000 में शेर ला गिर सब देख के
अर दादा न्यू का रखड़ बड़ा हो करूं रे यकीन निवला किस पर करूं यकीन जब बेशर्मी छागी सारे के जो पकड़िया सबक ओ पीएलडी ट्रांसपोर्ट नरेला अपने की मेर भाई सब नया आवे है सुरेश उस्ताद के नाम से सब नाम सर हरिओम मन सोका दे गया तुमने फेरा भी कौन है मेरे बड़े भाई भगत जी 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं भगत जी को मेरा प्रणाम धन्यवाद हरिओम झूठी खोली तने दुकान झूठा सोता बेचन लग गया नहीं असल का झूठ बोले कंबी तो ले आए गया के काटे झूठ बोले कंबी तो ले आए गया के झूठ बोले कंबी तो ले आए गया के काटे झूठा लेखा जोखा देखा झूठी देखी त्रिब झूठे तू पकवान बनावे झूठे बेचे तू झूठी लेवा झूठी देवा और बता के कसम झूठी लेवा झूठी देवा और बता के झूठी लेवा झूठी देवा और बता के कसम ये खान पान ओ खान पान पहरान बदल के खान पान पहरान बदल के क्या बुद्धि हुई मलिन ओ किस पर ओ दे सभी छागी सारे के बगड़िया सब का दीन ओ किस पर ओ ला 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 सम्मानित श्री ईश्वर सिंह जी भजन में खुश हो गए 200 रुपए का पुरस्कार इनाम देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद और देखो भाई एक बात और बताऊं देखो असली रंग तुम ले रहे हो जो जीवन के असली स्वाद हैं वे तुम ले रहे हो क्यों ले रहे हो तुम सुविधा ले रहे हो दिल्ली वाली बिजली पानी रोड ट्रांसपोर्ट सब राजधानी की सुविधाएं और थारा रहन सहन खान पान बोल चाल वो हरियाणा वाली न्यू का पीना न्यू भैंस राखनी न्यू रहन सहन भाईचारा बोल चाल संस्कृति तो हरियाणा की सुविधा दिल्ली की थारे तो फालतू रंग कोई नहीं और देखो हरियाणा तो प्रसिद्ध है हाजिर बापी के लिए वो बुढ़िया का ताप चढ़ गया डोका लेगा कोटी 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 डॉक्टर का चली गई जो गांधी की बेपे है अरे तो रजागे ने बोली रे भाई डॉक्टर ने बोला ताई राम राम फूक दे भाई तेरी राम राम ने के काम आई तेरी राम राम के बात है ताई क्यों छो मारी है छो मरे तोड़ दी रे तो अपने तेरा के डॉक्टर पना हो या तेरा उन्हें चश्मा लागे डॉक्टर ने पेन ठा लिया ने बोला ताई जी क्या नाम है ने बोली भाई के दोड़ी
उन्हें लिखा पेशेंट का नाम गंगड़ी। निवला ताई जी कितनी उम्र है? निवली भाई 2.80। उन्हें लिखा एज 78 साल। फिर निवला ताई जी बुखार चढ़ता है निवली भाई के सहज का वो दवाई लिखन लग गया। फिर निवला ताई जी ज्यादा दे के चढ़ा है निवली भाई 2 छोड़ा तभी नहीं उतरता वो फिर दवाई लिखन लग गया। फिर निवला ताई जी गात भी टूटा है रे जमा तोड़ रखा है फिर लिखन लग गया। फिर निवला ताई जी रोज चढ़ता है निवली नहीं भाई डॉक्टर लखा निवला और निवली भाई देखे एक दिन छोड़ गए एक दिन चढ़ गए डॉक्टर निवला अच्छा बारी बारी चढ़ता है अरन्यू का दवाई लिखन लग गया बुढ़िया ने पेन पकड़ दिया निवली ढेर गलत लिखेगा वो निवला ताई गलत क्यों लिखूंगा निवली बारी बारी नहीं चढ़ता एक दिन छोड़ गया एक दिन चढ़ गए डॉक्टर ने चश्मा भी उतार दिया और पेन भी धर दिया निवला तो शाबाश दान दे बोला ताई वो क्यों करिए निवली देख भाई क्यों करिए परले दिन चढ़िया था फिर परसों नहीं चढ़िया और फिर कल चढ़िया फिर आज नहीं चढ़िया था ईब चढ़ेगा तड़का नहीं चढ़े फिर परसों चढ़ेगा डॉक्टर ने चश्मे लाके पैंट ठा लिया निवला ताई क्या अनपढ़ वाली बात है यही मैं कह रहा हूँ बारी बारी चढ़ता है और कह के लिखन लग गया दवाई बुढ़िया ने हाथ पकड़ दिया निवली ढेर गलत लिखेगा मन मारेगा निवला ताई गलत क्यों लिखूंगा निवली बारी बारी नहीं चढ़ता निवला ताई एक के बाद से निवली अच्छा बावड़ी मान रहा है एक का शुक्र है बारी बारी तो जब हो एकदम तेरा चढ़ा एक दिन मेरा एक दिन दो भी लिया चुपड़ी ओढ़ भी लिया चाहो धन्यवाद और क्या कह दिया दूसरी गली में झूठी यारी यार भी झूठे झूठा करते कार झूठे रिश्ते ना तेरे गे लोग दिखावा वीर मर्द ने आपस के मां कोए से न लाए बदले है जमाना देखो कर्म कर्म का बीज ते पलट गए क्या है मनार वेद पाठी पंडित को न टोए ते ना मिलते सब वेद पाठी पंडित को न टोए ते ना मिलते वेद पाठी पंडित को न टोए ते ना मिलते आज कायर छतरी कायर छतरी निर्धन बनिया कायर छतरी ब्राह्मण विद्या ओ दिल का किलो ना है टूट गया दिल का किलो ना पाखंड का सहारा लिया हुक्म का लुकाल ओ पाखंड का सहारा लिया हुक्म का लुकाल ओ पाखंड का सहारा लिया हुक्म का लुकाल माया के माया के माया के नशे में चूर फिरते हैं अभिमानी लेन देन में कुछ ना तो रहे ऐसे देखे ओ बुले आला तारा कैसे ऐसे देखे ओ बुले आला तारा कैसे ऐसे देखे ओ बुले आला तारा कैसे ऐसे देखे ये बड़े बड़िया ने ओ बड़े बड़िया ने मोली तीनो सर जोरू और जमीन ओ सर की सारी सारी बिगड़ा सब का दी ओ मैं किस पर करूं ओ मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों
ओ नफरत की लाठी तोड़ो लालच के खंजर फेंको जिसके पीछे मत दौड़ो तुम प्रेम के पंछी हो देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश बहुत बढ़िया आपके बीच में भजन सुनाए और छोटा साई छोटी सी उम्र से गाता है सौरभ भाई बहुत बढ़िया है तो राडी मुंह शाही भाई 100 रुपए का इनाम दिया भगवान तेरी कला में और निखार हो धन्यवाद आखिरी कलीम दादा के कहे ओए सतपुरुषों ने भय हो गया रे हिंदुस्तान की धरती है और हिंदुस्तान का लेख इतिहास चीख चीख के पुकारता है के पति के साथ सती होने वालों की संख्या जब पढ़ो हमारी मातृशक्ति में तो अनेकों नाम है जो पति मर्या तो गल्ले सती होगी ये हमारा इतिहास है। अरे एक बार पड़ोसन में लेगी उसका खसम घूम गया था पड़ोसन में लेगी ने बोले चाल थाने में सिटी चौकी में अरे चाल एयरपोर्ट लिखवाऊंगी जाके निकली जी थानेदार साहब मेरा आदमी है घू गया मैं चुप कर जीऊंगी और निकला भाई दरोगा जी इसकी रिपोर्ट लिख ले क्या नाम था निकली प्रदीप बनीवाल उन्हें लिख लिया नाम और फिर निकला उलिया बता निकली जी उलिया में के बताऊं कद निकली कद को 6.5 फुट का था रोज का पद है ढाई बजे गट लिया था गट्टे बाहर पाउंड है खाट कर रोज के उन सो चले भाई अनपढ़ सी है कि उन्हें लिख दिया कद कुछ ज्यादा लंबा निवला रंग निवली जमांडे के सब हो रहा भक्त अंग्रेजों ने भी तोड़ा ऐसा कोई नहीं काम उन्हें लिख दिया रंग जमा दू दिया फिर निवला वजन निवली को 1.5 क्विंटल का मतलब सारे गुण बता दिए सब तो सुतरा लंबा ठाडा मोटा तगड़ा प्रदीप बनी वाले अरवा पड़ोसन की वाने बोली ए रंडो छोड़ दिया थर मन मत ले आज पाछे वाने बोली ए के बात छे निवले तू थाने मन के खाया छ आवे निवले मन मत ले आज पाछे ए के का छे निवले के लिखवावे छ तू तेरा तो ठगना था तेरा तो काला था तेरा भूंडा था के लिखवा निवले चुप हो जा प्रशासन आगे घणी मत बोल ले खू गया सो खू गया डोगा तो सोना ले देंगे तू बारा भी भर्ती भाई क्यों करी दोनों मागे सती क्यों कर लगेंगे जो मौका मिलते हैं निवेश खू गया तो गया तो सोना ले देंगे दोबारा भर्ती में वो एक वोट भर्ती क्यों करिया ये क्या है ओए सतपुरुषों ने भय हो गया रे ओ सतपुरुषों करें थे ओए रकना गुरु राम भगत की कृपा गुरु राम भगत की कृपा तो हमने कुछ कुछ गाना गुरु राम भगत की कृपा तो हमने कुछ ओ गुरु राम भगत की कृपा तो हमने कुछ कुछ गाना गुरु राम भगत की कृपा तो हमने कुछ कुछ गाना अगर बालकपन में मौज उड़ाई खाए खेले बहुत गाए और बजाए देखे मेरे खेले यार बतेरे देखे झूठे चले बोत झूठे यार बतेरे देखे झूठे चले बोत झूठे यार बतेरे देखे झूठे चले बोत ताता जगन्नाथ के जगन्नाथ सही चित्त के चले जगन्नाथ सही चित्त के चले ये तो हो सें तो यादी